में बाज़ाब्ता तौर पर 144 का इतलाक कर दिया गया है और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके मुताबिक बम्बई शहर में विसर्जन के दौरान मूर्तियों की तस्वीर कशी करना, मंजर कशी करना जो है पूरी तरह से ममनुआ है, यानी इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर कोई मूर्तियों की वीडियोग्राफी करता है या फोटोग्राफी करता है तो उस पर जो है वो कानूनी चाराजोई की जाएगी। बता दें आपको, ये हुक्मनामा जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर के हुक्म पर DCP विशाल ठाकुर ने जारी किया है। 20, 21, 23, 25 और 28 सितंबर को जो है ये हुक्मनामा नाफिस होगा। बता दें आपको कि जिस तरीके से गणपति का विसर्जन होता है उस दौरान जो है बाज़ाब्ता तौर पर साहिल समुंदर पर गणपति के जो मुतनाज़ा पोस्टर्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं, उसको अगर सोशल मीडिया पर कोई शेयर करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बता दें आपको कि समुंदर में अगर तुगयानी होती है तो गणपति की मूर्तियों के जो हिस्से हैं वो समुंदर के किनारे आ जाते हैं और ऐसे में कुछ लोग जो है उसका गलत फ़ायदा उठाकर जो है समाज में नफ़रत पैदा करने के लिए इस तरह की जो है वीडियो शेयर करते हैं और उसे जो है गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो है मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने बाज़ाब्ता तौर पर यह हुक्मनामा जारी करवाया है जिसके तहत अगर कोई भी गणपति के मूर्तियों से मुतालिक मुतनाज़ा पोस्ट करता है तो उस पर कानूनी चाराजोई की जाएगी और 188 के तहत जो है मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। बता दें आपको कि इससे कबल भी जो है गुज़िश्ता साल भी मुंबई पुलिस ने इस तरह का हुक्मनामा जारी किया था। 144 CRPC के तहत जो है बाज़ाब्ता तौर पर बम्बई शहर में यह हुक्मनामा जारी किया गया है जिसकी पाबंदी करना हर एक के लिए लाजमी है। जिस तरीके से विसर्जन के बाद जो है मूर्तियों को साफ़ सफाई की तस्वीर या फिर वहाँ पर जो तुगयानी होती है समुंदर में जो है मूर्तियाँ कुछ बाहर आ जाती है या इस तरह की जो फ़ोटो है अपलोड करते हैं लोग, शेयर करते हैं, इस पर जो है पूरी तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। अगर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट से इस तरह की तस्वीर शेयर की जाती है तो उस पर ना सिर्फ पाबंदी लगाई गई है बल्कि इस पर जो है केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर ने यह हुक्म जारी किया है और आवाम को भी ये वाजे कर दिया है कि वो जो है इस तरह की मुतनाज़ा पोस्ट और तोहिन आमेज पोस्ट से जो है वो गुरेज करे, क्योंकि इस तरह की पोस्ट से जो है दो समाज या माशरे में नफरत पैदा होती है और मजहबी मुनाफिरत जो है पैदा करने की जो है फिरका परस्त अनासिर जो है कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की पोस्ट जो है वो शेयर ना की जाए और आवाम जो है इससे मोहतात रहे, क्योंकि मजहबी मुनाफिरत फैलाने के लिए इस तरह की पोस्ट का जो है फिरका परस्त अनासिर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए आवाम को होशियार रहने की ज़रूरत है और पुलिस के बनाए हुए गाइडलाइंस और इसके साथ ही रहनुमाए उसूल जो पुलिस ने मुरतब किए हैं इस पर अमल करना भी ज़रूरी है। जहां का इंसाफ की खास